गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर ऑफ इंग्लिश एंड टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर एंड योर न्यू चैप्टर इज चैप्टर 7। आज मैं जो आप लोगों को नया चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, स्टार्ट करने जा रही हूँ, वो है चैप्टर 7। और ये जो चैप्टर 7 का नाम क्या है, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स मीन्स, सबसे पहले जानते हैं कॉन्सोनेंट होता क्या है। तो इससे पहले हम लोग ए ई आई ओ यू वॉवल लेटर जो पढ़े थे वो क्या था, ए ई आई ओ यू ये वॉवल लेटर था। वॉवल लेटर को छोड़कर जितने भी लेटर बचते हैं उसको हम लोग कॉन्सोनेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं, 26। टोटल अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, 26। और 26 में ए ई आई ओ यू ये पांच क्या हो गए, वॉवल लेटर हो गए। तो ये 5 वॉवल लेटर को छोड़कर हमारे पास कितने बचते हैं लेटर, 21। तो यही 21 लेटर को हम लोग कॉन्सोनेंट लेटर लेते हैं। जैसे क्या, बी सी डी, इसी तरह एफ जी, ये सब सब क्या हो गया, कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। ब्लेंड्स का मतलब क्या होता है, मिलाना। तो क्या कह रहा है सेंटेंस, आइए पढ़ते। अ कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ ब्लेंड व्हेन टू और मोर कॉन्सोनेंट्स आर ब्लेंडेड टुगेदर बट इच साउंड मे बी हियर्ड क्विकली इन द ब्लेंड। कह रहा है कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड इज अ ब्लेंड, कहने का मतलब जब हम लोग दो कॉन्सोनेंट, दो अल्फ़ाबेट यानी ए मान लीजिए हम लोग मिला दिए, जैसे कि बी और सी, दो ये क्या हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया। तो जब हम लोग दो कॉन्सोनेंट को एक साथ मिलाते हैं तो क्या होता है, उसकी आवाज़ जो हम लोगों को सुनाई देती है, जब हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि वो दोनों की जो कॉन्सोनेंट की जो आवाज़ होती है वो हम लोगों को सुनाई देती है। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। मतलब एक साथ दो कॉन्सोनेंट का मिला हुआ वर्ड का जो आवाज़ है, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्सोनेंट ब्लेंड। अब स्टार्ट करते हैं, जैसे कि क्या है, इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। इनिशियल का मतलब क्या होता है कि जब कॉन्सोनेंट को हम लोग शुरुआती में लगाते हैं, जैसे कि ये क्या है, बी एल। देखिए बी एल दो यहाँ कॉन्सोनेंट है और दो कॉन्सोनेंट को हम लोग क्या किए, एक साथ मिला दिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट ब्लेंड। अब जैसे यहाँ पे क्या है कॉन्सोनेंट ब्लेंड में, देखिए बी एल ए सी के ब्लैक, तो क्या है, तो बी एल जो है हम लोग यहाँ पे स्टार्टिंग में इस कॉन्सोनेंट ब्लेंड का यूज़ किए हैं। तो इनिशियल का मतलब क्या होता है, स्टार्टिंग में उस चीज़ को यूज़ करना। तो जैसे हो गया ब्लैक, ब्लीड, ब्लू, ब्लॉक, ब्लिंक, ब्लेम, ये सब में देखिए तो स्टार्टिंग में हम लोग बी एल वर्ड का यूज़ किए, तो यही इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स हो गए।